इस कंडीशन में क्या आपका जो जनरेटर है ना, अगर हम सप्लाई देते हैं प्राइम मूवर से घुमाते हैं तो क्या वो घूमेगा कि नहीं? घूमेगा है ना, घूमेगा लेकिन वोल्टेज में जाएगा, साथ ही घूमते रहेगा। अगर लंबे समय तक घूमते रहे छोड़ दे तो क्या होगा? घूमते रहेगा और लास्ट में क्या होगा? उसका वाइंडिंग जल जाएगा है ना। कुछ देर चलने के बाद क्या होगा? उसका वाइंडिंग सीधे जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट जो देना चाहिए है ना, आउटपुट जो मिलेगा वोल्टेज, यानी वोल्टेज आउटपुट देना चाहिए तो वह आपको आउटपुट दे नहीं रहा है और वो प्राइम मूवर के सहारे वह घूमते रहा है। प्रेजेंट मटेरियल नंबर में, लेकिन वैसा इसमें कुछ है नहीं, जितना भी लाइट है डायरेक्टली हमारे आप तक पहुंचता है। इसी कारण याद क्या है, उत्पन्न अल्ट्रावायलेट किरणों को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को क्या वाइब्रेटर को नुकसान। जीवन काल ऐसे नहीं, मतलब इसी का कार्बन न्यूट्रॉन प्रयोग करें तो उसमें निर्मित करता है जैसे उसका एयर गैप कौन सा अभी हम बता रहे थे कहाँ ध्यान था, यहाँ तो था लेकिन इधर जो और कौन है, कोई कोई ये अलग फॉर्मूला है, कोचे अलग है, कॉस टू ए का फॉर्मूला ये का लिखवाए थे, टू से डिवाइड कर देंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये आखिर ये तो है ना जी फॉर्मूला, जितना पूरा है तक कोई भी मान हो सकता है, इनमें कोटिपूरा कोण कौन सा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सबसे पहला चीज, कोटिपूरा कोण कहते किसे हैं? ऐसे दो कोण का मान या ऐसे दो कोणों का योग जो 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कोटिपूरा कोण कहेंगे। जब आप लोग को कोटिपूरा कोण पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम करोगे? अगर इन दोनों को अगर जोड़ते हैं और उनका मान जो है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ऐसे कोण कौन क्या कहते हैं? कोटिपूरा कोण कहते हैं। अब ऑप्शन में चार ऑप्शन बने हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको पकड़ना है कि चार ऑप्शन में किस प्रकार का फिगर जब भी कंडेंसर वाष्पीकृत हुआ, क्या हुआ? जब तक
फिर क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट से हमको जो निष्कर्ष है कंक्लूजन वो सेटिस्फाई करना है। ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है इसको बोलते हो अनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इसने क्या किया, पहला जो स्टेटमेंट दिया लिखा यू इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डब्ल्यू एंड लेस देन आर इक्वल टू के। पहला स्टेटमेंट ये है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका है डब्ल्यू इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जेड। ठीक, इसको